हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजियोलॉजी हम फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम स्टडी कर रहे हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में स्टडी किया था आज हम ओरिजिन एंड प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स स्टडी करेंगे यानी कि तंत्रिका आवेग का प्रारंभ और उसके संचरण को स्टडी करेंगे सो लेट्स बिगिन सबसे पहले व्हाट इज नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स इज द सम टोटल ऑफ केमिकल इवेंट्स इन द प्रोपेशन ऑफ अ वेव ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अलोंग अ नर्व फाइबर यानी कि तंत्रिका आवेग तंत्रिका तंतु पर कार्य की सक्रियता की एक तरंग के संचरण में होने वाली भौतिक तथा रासायनिक घटनाओं का संपूर्ण योगफल होता है और दूसरी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं इट इज़ अ वेव ऑफ़ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन स्वीपिंग अलोंग नर्व फाइबर यानी कि तंत्रिका आवेग जो है वो एक विद्युत विध्रुवन और पुनर्ध्रुवन की एक तरंग है जो कि नर्व फाइबर पर तंत्रिका तंतु पर चलती है नव प्रोपोगेशन इन अ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर माइलिन रहित हमने स्टडी किया था कि नर्व फाइबर जो है वो दो तरह के होते हैं नॉन माइलिनेटेड एंड माइलिनेटेड तो अभी पहले हम स्टडी करेंगे प्रोपोगेशन इन अ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर माइलिन रहित तंतु पे संचरण व्हेन अ वेव वेन अ नर्व फाइबर इज़ नॉट कैरिंग एन इम्पल्स इट इज़ सेट टू बी एट रेस्ट जब कोई भी उद्दीपन कोई भी इम्पल्स जो है वो उस पर नहीं होता है कोई भी आवेग जो है वो नहीं होता है जब तंतु पर तो उसको हम एट रेस्ट बोलते हैं जब नर्व फाइबर रेस्ट पर होती है तो फाइबर का जो आउटसाइड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इनसाइड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है दैट मीन्स द आउटसाइड ऑफ द फाइबर इज़ पॉजिटिवली चार्ज और जो इनसाइड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है तो डिफरेंट स्टेजेस जो हैं उसमें हम प्रोपोगेशन स्टडी करेंगे नर्व इम्पल्स की सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि जो भी रेस्टिंग पोटेंशियल है विश्रामित विभव जो है उसका प्रारंभ कैसे होता है देर इज़ अ डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन्स डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस को हम क्या कहते हैं विभेदी वितरण तो देर इज़ अ डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन्स बिटवीन दी एग्जोप्लाज्म एंड द एक्सटर्नल मीडियम तो बाहरी माध्यम में और एग्जोप्लाजम जो है उसके बीच में आयन्स का विभेदी वितरण पाया जाता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड जो है इट हैज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस और जो इंट्रा सेल्युलर फ्लूएड होता है दैट हैज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लार्ज ऑर्गेनिक एन आयन्स यानी कि कोशिका का जो बाहरी तरल है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूएड जो है उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस का उच्च सांद्रता होती है तथा अंत्य कोशिकीय द्रव्य जो है, जो है उसमें पोटेशियम जो है उसका उच्च सांद्रण पाया जाता है अ पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेज अ मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली पर्मीएबल टू आइदर एनायंस और कैटायंस अगर कोई भी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली पर्मीएबल होती है किसी भी कैटायन या एनायन के लिए तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जेनरेट होता है जिसमें मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो है वहाँ पर डिफरेंट तरह की आयंस का कंसंट्रेशन होता है ये जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन में दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द टू साइड्स ऑफ नर्व फाइबर इज टर्म्ड एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल व्हिच इज माइनस सेवेंटी मिली वोल्स तो तंत्रिका तंतु झीली की बाहरी और भीतरी सतहों के मध्य जो विद्युत विभव पाया जाता है उसे अंतरकला विभव अथवा विश्रानित विभव कहलाता है और इस अवस्था में झिल्ली जो है वो पोलराइज स्टेट में होती है इन दिस स्टेट द नर्व फाइबर इज सेट टू बी इन द पोलराइज स्टेट तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल है इट डिपेंड्स ऑन द फिजिको केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन नोन एज डोनन इक्विलिब्रियम और ये डोनन इक्विलिब्रियम जो है वो प्रडिक्ट करता है कि सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आयन्स की मूवमेंट जो है वो लिविंग सेल्स में अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरह होगी यानी कि विभव भौतिकी रासायनिक सामान्य अवस्था पर निर्भर करता है जिसे डोनन इक्विलिब्रियम कहते हैं दिस इज द रेस्टिंग स्टेट रेस्टिंग स्टेट में हम देख सकते हैं द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द आउटसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सेकेंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ डी पोलराइजेशन डी पोलराइजेशन मतलब विध्रुवन जब भी नर्व इम्पल्स को स्टिमुलेशन, नर्व को स्टिमुलेशन मिलता है तो नर्व फाइबर की जो पर्मबिलिटी है वो चेंज हो जाती है किसी भी स्टिमुलस से झिल्ली की पारगम्यता जो है वो परिवर्तित हो जाती है और ये स्टिमुलस जो है जो उद्दीपन जो मिलता है वो किसी भी तरह का हो सकता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल यांत्रिक विद्युत या रसायनिक उद्दीपन किसी भी तरह का ये स्टिमुलस जो है वो हो सकता है जैसे ही ये स्टिमुलस नर्व फाइबर पर आता है एज अ रिजल्ट सोडियम जो है वो स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड सोडियम क्विकली जो है वो अंदर की तरफ मूव करने लगता है जिसकी वजह से ईच सोडियम आयन इज़ पॉजिटिवली चार्ज हमें पता है इसलिए जो मूवमेंट सोडियम आयन्स का अंदर की तरफ हो रहा है इसकी वजह से जो इनसाइड ऑफ द सेल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है एज़ कंपेयर टू दी आउटसाइड दिस रिवर्सल ऑफ़ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज़ कॉल्ड डी पोलराइजेशन यानी कि डी पोलराइजेशन में क्या हो रहा है सोडियम आयन जो हैं वो शीघ्रता से अंदर की ओर प्रवेश करने लगते हैं इसकी वजह से कोशिका के भीतर बाहर की तुलना में धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो उत्पन्न हो जाता है और इसे हम रिवर्सल ऑफ चार्ज कहते हैं यानी कि विद्रु भवन का परिवर्तित जो है रिवर्सल जो है वो होता है यानी कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं द सोडियम इज़ मूविंग इन एंड दिस द इनसाइड दस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एज कम्पेयर टू द आउटसाइड सो दिस स्टेज इज नोन एज डी पोलराइजेशन स्टेट और विध्रुव भवन थर्ड स्टेज है रिपोर्टेशन पुनर्ध्रुवन रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है पोटेशियम आयन विदर पॉजिटिव चार्ज नाउ बिगेन टू मूव आउट फास्टर देन द सोडियम मूव इन यानी कि पॉजिटिव आयन्स जिनमें भी पॉजिटिव चार्ज है वो जैसे सोडियम आयन अंदर आते हैं वो पोटेशियम आयन जो हैं अब बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं वेन दीज पॉजिटिव चार्जेस आर मूव टू द आउटसाइड ऑफ द सेल दे इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिपोलराइजेशन एंड द inside ऑफ द सेल अगेन बिकम्स नेगेटिव यानी कि जैसे जब सोडियम डिपोलराइजेशन स्टेट हुई थी तो सोडियम जो है वो बाहर से अंदर आया था और अंदर जो है वो चार्ज पॉजिटिव हो गया था अब पोटेशियम जो अंदर प्रेजेंट है वो अब बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाता है जिस स्पीड से सोडियम अंदर आया उससे ज़्यादा स्पीड से जो है पोटेशियम डबल स्पीड से जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाता है विद द रिजल्ट बाहर जो है वो दोबारा से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और अंदर फिर से नेगेटिव चार्ज हो जाता है सो दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन नेक्स्ट स्टेज जो है इट इज नोन एज द मेटाबॉलिक पंप स्टेट या उपापचयी पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड द रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोटेशियम कंसंट्रेशन इन साइड रिस्टोज द सेल टू अ रेस्टिंग स्टेट अभी हमने देखा है कि अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आया है लेकिन जो अंदर जो है बाहर जो है दोबारा से पॉजिटिविटी आई है पॉजिटिव चार्ज आया है लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर वो सोडियम का ना हो के पोटेशियम का है तो सोडियम को वापस बाहर जाना होगा पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए और पोटेशियम को अंदर आना होगा तब रेस्टिंग स्टेट जो है वो अचीव होगी तो इसको एक्चीव करने के लिए मेटाबॉलिक पंप या एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम जो है वो फिर शुरू होता है दिस मकैनिज़म इज़ कॉल्ड एज दी सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जिसे हम सोडियम पोटेशियम विनिमय पंप कहते हैं क्योंकि सोडियम जो है इट हैज़ टू गो आउटसाइड द सेल और उसी तरह पोटेशियम जो है उसको वापस सेल के अंदर आना होता है और ये एक्टिविटी जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है इसलिए इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है हम मेटाबॉलिक पंप को इस डायग्राम में समझ सकते हैं सोडियम जो है ये बॉल्स हैं सोडियम जो है सोडियम पोटेशियम पंप में बाहर जाता है और पोटेशियम जो है वो बाहर से वापस अंदर आना शुरू हो जाता है तो इससे फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एक्चीव होता है नो व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव क्या होता है जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ आता है फाइबर के तंत्रिका तंतु के अंदर की तरफ जैसे ही डिपोलराइजेशन होता है और सोडियम अंदर आता है स्टिमुलस मिलते ही तो आउटसाइड जो है वो फाइबर का वो थोड़ी देर के लिए नेगेटिवली चार्ज हो जाता है हमने अभी देखा था इस पॉइंट के पास जहाँ पे स्टिमुलस मिला है और जहाँ पर सोडियम अंदर आया है उस पॉइंट के पास एडजेसेंट टू इट फाइबर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज ही होती है ठीक है तो दिस डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस इन द टू एरियाज इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल यानी कि इन दो क्षेत्रों का जो विभावंतर है उसे क्रिया विभव कहते हैं दिस इज अ टेम्पररी चेंज बिटवीन अ स्टिम्यूलेटेड एंड रेस्टिंग पोर्शंस ऑफ अ नर्व फाइबर यानी कि चेंज होता है जो स्टिम्यूलेटेड पार्ट है नर्व फाइबर का और रेस्टिंग पार्ट है नर्व फाइबर का उनके बीच में सिंस ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर पॉजिटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन हमें पता है ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज जो है मेम्ब्रेन के दोनों तरफ दोनों तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं एज अ रिजल्ट एक पार्शल न्यूट्रलाइजेशन जो है वो चार्ज का होता है हम इसको इस डायग्राम में समझ सकते हैं ये वो पोर्शन है जहाँ पर कि स्टिमुलस मिला और यहाँ से डिपोलराइजेशन जो है वो शुरू हुआ तो ये डिपोलराइज स्टेट है जहाँ पे इनसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आया एंड आउटसाइड इज़ नेगेटिवली चार्ज लेकिन बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव तरह के चार्ज है और इस तरीके से डिपोलराइजेशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है सो दिस डिपोलराइजेशन कॉजेज़ द मेम्ब्रेन टू बिकम मोर पर्मीएबल तो ये जैसे जैसे डिपोलराइजेशन की वेव तरंग आगे बढ़ती जाएगी तो जो मेम्ब्रेन है वह और ज़्यादा पर्मिएबल होता जाएगा और ज़्यादा सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आएगा और इस तरीके से नर्व इम्पल्स जो है वो या एक्शन पोटेंशल जो है वो डेवलप हो जाएगा दस द एक्शन पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज अ सेल्फ प्रोपोगेटिंग डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व इम्पल्स हम कह सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या है एक्शन पोटेंशियल जो है क्रिया विभव जो है वो एक वेव है डीपोलराइजेशन की जो आगे चल रही है दिस इज़ अ रीजेनरेटिव प्रोसेस दैट लीड्स टू ऑटोमेटिक री तो नर्व इम्पल्स जो है वो दस हमने शुरू में देखा था एक सेल्फ प्रोपोगेटरी वेव है डीपोलराइजेशन की विच इज़ फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन एक तरंग जिसमें पहले विध्रुवन होता है और उसके बाद पुनर्ध्रुवन जो है वो होता है पूरे नर्व फाइबर पर पूरी की पूरी जो नर्व फाइबर है तंत्रिका तंतु है उस पर ये पहले डिपोलराइजेशन होता है और फिर रिपोलराइजेशन होता है और ये पूरी वेव जो है वो नर्व फाइबर पर चलती है तो ये था प्रोपेशन इन अ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर माइलिन रहित तंतु पर अब हम स्टडी करेंगे प्रोपोगेशन इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर माइलिन आच्छादित तंत्रिकाओं पर किस तरीके से संचरण होता है हमने स्ट्रक्चर जब स्टडी किया था तो देखा था कि माइलिन जो है वो क्या है लिपिड रिच रैपिंग होती है तो मेमरीज जिन पर की माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उस पर यानी कि एक लिपिड की कोटिंग जो है उस पर होती है और लिपिड जो है वो इलेक्ट्रिकल हाई होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के प्रति वो इल, जो है इलेक्ट्रिक को जो है वो रेजिस्ट करता है चार्ज को तो बट दिस इंस्टॉलेशन इज़ ब्रोकन एट द नोड्स ऑफ़ रेनवियर हमने जब स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो ये भी देखा था कि ये जो माइलिन शीत है वो कंटिन्यूस पूरे नर्व फाइबर पर पूरी की पूरी तंत्रिका तंतु पर प्रेजेंट नहीं होती है जगह जगह पर वो टूटी हुई होती है ब्रोकन होती है उसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर तो अकॉर्डिंगली करंट जो या एक्शन पोटेंशियल जो हमने अभी नॉन माइलिनेटेड में स्टडी किया था वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो कहाँ फ्लो करता है इसमें वन नोड ओवर दी माइलिन टू दी नेक्स्ट नोड एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर के ऊपर यह जंप करता है उसके एक के से दूसरे के ऊपर ये जाता है यह पूरे नर्व फाइबर पर ट्रेवल नहीं कर सकता है हम इस डायग्राम में देख रहे हैं एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ एनवेर के ऊपर नर्व इम्पल्स जो है वो जंप करती है क्योंकि इंटर नोड जो है वो माइलिन कोटेड होता है इसमें लिपिड प्रेजेंट होता है तो ये जो प्रपोगेशन है वो जंप हो रही है एक से दूसरे के ऊपर ये मूव कर रहा है तो इसे हम कहते हैं सॉल्टेट्री प्रपोगेशन इसे हम तो ये सॉल्टेटरी प्रपोगेशन जिसमें कि करंट जो है वो जंप करता है स्किप करता है डांस करता है या फिर लीप करता है तो इसको हम वल्गी संचरण कहते हैं एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर सो सॉल्टेटरी प्रोपोगेशन जो है इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द इम्पल्स जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कोई इंपल्स पूरी नर्व पर ट्रेवल करे यहां से लेके यहां तक तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन अगर उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप करके जाना है तो उसको कम टाइम लगेगा तो सॉल्टेटरी प्रोपगेशन जो है जो कि माइलिनेटेड शीत पर होती है उसमें स्पीड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि नोड्स ऑफ रेनवियर जो है सिर्फ उनको ही डिपोलराइज होना होता है सो एज़ अ रिज़ल्ट इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो ट्वेंटी टाइम्स फास्टर होती है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में एज कंपेयर टू दी नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर सो आज हमने प्रपो ओरिजन एंड प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स स्टडी किया है कल हम नर्व फिजियोलॉजी का एक दूसरा टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे थैंक यू सो मच